जय माता दी। दोस्तों, हरियाणा और पुनेरी पलटन के साथ आज की इस लेग का दूसरा मैच, पहला मैच जैसा मैंने अभी दूसरी वीडियो में बताया, वो हो रहा है, हो चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या शुरू होने वाला होगा क्योंकि ये वीडियो सुबह आ जानी है और मैच होगा शाम को। तो मुझे नहीं पता उस मैच का स्टेटस क्या है, लेकिन ये आज का दूसरा मैच है जो कि है पुनेरी पलटन और हरियाणा के बीच में। पुणे में ही मैच है, तो पुनेरी पलटन अपनी होम ग्राउंड पे है और प्रो कबड्डी लीग 2023 का ये लेग नंबर 3 है जो आज से शुरू हो रहा है इस दूसरे मैच के साथ। पहला मैच भी हो गया होगा। खैर, हरियाणा की बात करें तो अच्छी बात हरियाणा के लिए ये रही कि पिछले मैच में सिद्धार्थ देसाई ने सुपर 10 लगाया, अपने सीजन का पहला। और कमाल की बात यह कि एज ए टीम हरियाणा बहुत अच्छा खेल रही है, दो लगातार जीत ली है उन्होंने बिना इंडिविजुअल ब्रिलियंस के। दूसरी तरफ अगर बात करें हम पुनेरी पलटन की, तो एज ए बैलेंस टीम अगर हम बात करें या एज ए टीम बात करें तो इस टीम में कोई कमजोरी नहीं दिखती है। बहुत बढ़िया ये टीम है और बहुत बढ़िया खेल रही है। स्टार्टिंग सेवन की जहां तक बात है, तो हरियाणा जो पिछले मैच में स्टार्टिंग सेवन लेके उतरा, सिद्धार्थ देसाई लीड रेडर थे, रहेंगे। आशीष नरवाल एक और इनके साथ ऑलराउंडर जुड़े, तो दूसरे इनके साथ विनय तेवतिया रहे जो कि तीसरे रेडर की भूमिका में थे। आशीष और विनय ने काफी रेडें पिछले मैच में की, इनफेक्ट आशीष ने 7 पॉइंट भी लिए। और सिद्धार्थ देसाई जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सुपर 10 लगाया इस सीजन का पहला। जयदीप दहिया और मोहित नंदल रहेंगे, कप्तान है दोनों ही। और उसके बाद एक और मोहित को इन्होंने खेला है और उनके साथ थे राहुल सेतपाल। तो ये थी स्टार्टिंग सेवन आपके हरियाणा की दोस्तों पिछले मैच में। जहां तक बात करो अगर हम पुनेरी पलटन की, तो पुनेरी पलटन के लिए असलम इनामदार तो कप्तान है, खेलेंगे उनके साथ मोहित गोयल और फिर पंकज मोहिते, तीन रेडर्स हो गए। असलम इनफेक्ट ऑलराउंडर है तो डिफेंस में भी काम आ जाते हैं। डिफेंस में अविनेश संकेत और उसके अलावा गौरव खत्री और सादलू तो रहने ही है। तो ये स्टार्टिंग सेवन था पुनेरी पलटन का। टीम में पिछला मैच अगर इनका देखोगे आप, कोई प्लेयर ऐसा नहीं रहा जिसने कम से कम 3 पॉइंट्स ना लिए हो, चाहे वो डिफेंडर था, चाहे कोई ऑलराउंडर था, चाहे वो था कौन। कप्तान असलम की परफॉर्मेंस सबसे खराब कह सकते हैं, 3 पॉइंट थे मात्र। असलम से आप ज्यादा पॉइंट्स एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि वो क्या है, रेडिंग भी करते हैं, लेकिन चूंकि उसका लेफ्ट साइड का डिफेंस थोड़ा वीक था पोजीशन का, तो पंकज मोहिते को दूसरे रेडर के तौर पे खिलाया और असलम तीसरे के तौर पे। अच्छे कप्तान की, अच्छे लीडर की एक्चुअली निशानी भी यही होती है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज का जो एक फॉर्मूला है उसको अपना के चले, ना कि अपने गेम के ऊपर ध्यान दे। खैर, साधु तो ऑलवेज बढ़िया खेल ही रहे। जहां तक इस मैच की बात है, तो इस मैच का फैंटेसी एनालिसिस कर लेते हैं। मैं विजन 11 पे खेलता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी खेलिएगा। लिंक विजन 11 का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, सब जगह दे रखा है, जुड़ जाइएगा। चैनल पे भी और टेलीग्राम पे भी और विजन 11 पे भी, जैसा मैंने बोला लिंक दे रखा है। फायदे क्या है, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, जितने फैंटेसी स्पोर्ट होते हैं सब सारे सारे अवेलेबल है। डिपॉजिट से लेके बोनस ऑफर्स तक सब अवेलेबल है और ग्रैंड लीग बड़ी होती जा रही है, तो वो भी काफी सारे फायदे, फायदों का फायदा उठाइए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फैंटेसी की। तो सबसे पहले वो पिक्स जो मुझे एनी हाउ एनी केस जरूर चाहिए, कौन सी वो पिक्स हैं देख लेते हैं। मोहित गोयल है, सिद्धार्थ देसाई है और है साधलू चियाने। ये तीन प्लेयर मेरे को जरूर चाहिए, इनके आसपास चार प्लेयर जोड़ के मैं अपनी फैंटेसी टीम बनूंगा। और हाँ, इस फैंटेसी टीम का अपडेटेड वर्जन आपको कहाँ मिलता है, टेलीग्राम पे, तो वहां जुड़ना ना भूलें। लिंक टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया मैंने। कौन से कमेंट में, जो पिंड कमेंट है, सबसे ऊपर वाला कमेंट है उसमें, ठीक है। चलते हैं तो फैंटेसी टीम पूरी देखें। मोहित गोयल, सिद्धार्थ देसाई, दो हमने लेके चले थे कौन, आपका रेडर्स, दोनों ही रहेंगे। ऑलराउंडर उसमें सादलू के साथ असलम, अब एक और चॉइस बढ़िया है इनके पास, उनको हम ले सकते थे क्या, लेकिन असलम को लेके जाना पड़ रहा है, मोहित नंदल को मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्योंकि असलम मोहित में से कोई एक अगर मैं देखूं इस मैच में, तो मुझे असलम के चांसेस थोड़े बेटर लग रहे हैं। पिछले मैच में गेम कवर जरूर पंकज मोहिते का ज्यादा रहा था, लेकिन इस मैच में मुझे लग रहा है असलम वापसी करेंगे तो फिर असलम मोहित से बेटर चॉइस हो सकते हैं। हालांकि असलम मोहित में से कौन अच्छा खेलेगा और कौन किसकी टीम में होगा, इस पे आपकी फैंटेसी में जीत हार बहुत ज्यादा निर्भर है, ये भी मैं बताई दे रहा हूँ। सादलू तो सबकी टीम में आएंगे, चॉइस जो रहेगी वो असलम और मोहित के बीच की रहेगी। तो कैप्टन भी मेरे सादलू और वाइस कैप्टन भी असलम इनामदार है, क्योंकि टैकल भी निकाल सकते हैं और प्लस रेड में पॉइंट्स भी दे सकते हैं। हो सकता है कि हम इसे फाइनल टाइम पे अपडेट करके और हो सकता है कुछ बदलाव कर दें, वाइस कैप्टन बदल दें, या फिर हो सकता है कि मोहित नंदल की तरफ चले जाएं, लेकिन अभी के लिए असलम वाइस कैप्टन भी और टीम में भी है। जहां तक डिफेंडर्स की बात है, तो
अभिनेश नादराजन और गौरव खत्री को मैंने लिया है क्योंकि दोनों कॉर्नर संभालेंगे और फिर उसके साथ हैं जयदीप दहिया। तो 5-2 के कॉम्बिनेशन से जा रहा हूं, कारण आप समझ गए होंगे क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पुनेरी पलटन का पड़ा भारी लग रहा है। चूंकि अगर पुनेरी पलटन जीत सकती है ये मैच तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उनके प्लेयर्स ही ज्यादा लेना बनता भी है। तो ये हुआ इस मैच का फैंटेसी एनालिसिस। ग्रैंड लीग जब आप बनाने जाओगे इस टीम में से कुछ बदलाव कर सकते हो, एक तो मोहित असलम वाला बदलाव कर सकते हो, उसके अलावा क्या बदलाव कर सकते हो, डिफेंडर्स में तो ऑलवेज आप स्वाइप कर सकते हो, किसी को भी स्वाइप कर सकते हो किसी से भी, क्योंकि सॉलिड डिफेंडर एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप ये मान के चलो कि नहीं इसकी जगह तो पक्की है, ये तो जरूर होना चाहिए, ऐसी एक भी कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो हमारा और आपके बीच का ये इस मैच का एनालिसिस होता है खत्म, और आप मिलते रहेंगे। फिलहाल मेरी एक कॉल आ रही है, मैं ले लेता हूँ। टाटा बाय बाय, जय माता।